बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छी खबर है रेजिडेंट परमिट वालों के लिए जिनके वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं, और जैसे कि उनके पास 18 अगस्त तक टाइम था, लेकिन उन्होंने 3 महीने का टाइम मज़ीद बढ़ा दिया। उन्होंने कहा है कि जो दुबई के अंदर मौजूद हैं, जो दुबई से बाहर हैं, उनको 3 महीने का मज़ीद टाइम बढ़ा दिया गया, 18 अगस्त से 3 महीने बढ़ा के और 17 नवम्बर तक उनको टाइम दे दिया गया। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपने मज़ीद मालूमात लेनी है वो ये टेलीफोन नंबर पे फ़ोन करके मालूमात ले सकते हैं। वो टेलीफोन नंबर है 800-453 में आप फ़ोन करके मज़ीद मालूमात ले सकते हैं कि जो बाहर हैं दुबई से वो लोग कैसे आ सकते हैं जो दुबई में। वो उन्होंने ये कहा है कि आपको किसी किस्म का भी फ़ाइन नहीं किया जाएगा, किसी किस्म का जुर्माना नहीं किया जाएगा। आप लोगों ने अगर रियासल खैमा से, अबू धाबी, शारजा से अगर आप लोगों ने अपने मुल्क में वापस जाना है, आपके पास रेजिडेंट परमिट वीज़ा एक्सपायर हो चुका था, तो वो 6 घंटे पहले एयरपोर्ट में पहुँचे। अगर आप लोगों ने दुबई एयरपोर्ट से आना है तो फिर आप लोग दुबई में 48 घंटे पहुँचे टर्मिनल 2 में, वहाँ पे जो है इमिग्रेशन का दफ्तर है, वहाँ पे जाके अपने आपको रजिस्टर करें। लेकिन आपके पास टिकट मौजूद होनी चाहिए, पासपोर्ट मौजूद होना चाहिए, और आप लोग अपने मुल्क जा सकते हैं। और जो मुल्क से बाहर हैं, वो दुबई आना चाहते हैं, वो लोग इन नंबर पे फ़ोन करें और उनसे पूछें, उनको भी किसी किस्म का कोई जुर्माना ये वो बारे उनके बारे में उन्होंने टेलीफोन कहा कि वो टेलीफोन नंबर पर 800-453 पे फ़ोन करके मज़ीद मालूमात ले लें, और वो किस तरीके से दुबई वापस आ सकते हैं या UAE आ सकते हैं। तो बार बहुत बड़ी अच्छी खुशखबरी थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। अल्लाह ताला आप लोगों के कामों में, हम सब के कामों में आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह करीम आप सब के और हम सब के हर बुरे वक्त को अल्लाह अच्छे वक्त में तब्दील करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई से नई अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। अस्सलाम।